जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान करणी सेना का हंगामा, निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की मारपीट। फिल्म पद्मावती के सेट पर कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, शूटिंग के उपकरणों को पहुंचाया नुकसान। भंसाली के सुरक्षाकर्मियों को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू, रोकनी पड़ी शूटिंग। भंसाली के समर्थन में आया बॉलीवुड, ऋतिक रोशन, यामी गौतम, करण जौहर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। संजय लीला भंसाली पर हुए हमले को लेकर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने जताई हताशा, बोले पूरी फिल्म इंडस्ट्री भंसाली के साथ है लेकिन हम सब हैं मजबूर। सीएम अखिलेश यादव नहीं लड़ना चाहते चुनाव, 2019 तक है एमएलसी पद का कार्यकाल। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्लान, 12 रैलियों को करेंगे संबोधित, 4 फरवरी को मेरठ से करेंगे शुरुआत। अमेठी रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फिर की बात, गठबंधन से पहले मुख्यमंत्री को 10 सीटें देने का उनका वादा याद दिलाया। पंजाब दौरे में कटौती करेंगे राहुल गांधी, एक दिन की कटौती कर 29 को अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए टीम, प्रशांत किशोर ने दिया नया नारा, यूपी को ये साथ पसंद है। आज गोवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे मोदी, पहली बार रैली को करेंगे संबोधित। आज पंजाब के डिप्टी सीएम के गढ़ जलालाबाद में गरजेंगे राहुल गांधी, सभा को करेंगे संबोधित। आज तक से बातचीत में अमरिंदर सिंह ने कहा अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से फिट। पटियाला में चुनाव प्रचार में जुटे कैप्टन अमरिंदर की 21 साल की पोती दादा के लिए मांग रही है वोट। 11 सीटों पर बीजेपी और अपना दल के बीच बनी सहमति, बाकी सीटों पर आज शाम तक फैसला। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑडी की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत, हादसे के बाद फरार हुआ ऑडी चालक। टक्कर के बाद ऑडी के उड़े परखच्चे, ऑटो का भी पुर्जा पुर्जा हुआ चकनाचूर। नोएडा के सेक्टर 63 में बाइक सवार बदमाशों का कहर, गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने 5-6 राउंड फायरिंग की, सुपरवाइजर दिनेश को लगी 2-3 गोली, वारदात के बाद हमलावर फरार। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड रहा खाली हाथ, एसआईटी को सौंपी जांच रिपोर्ट में कहा अभी तक मौत की वजह पता नहीं चली। यूपी के ललितपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 48 लाख कैश बरामद, पड़ताल में जुटी पुलिस। झालावाड़ में एक धागा फैक्ट्री में लगी आग, धुआं भरने से 3 मजदूर हुए बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अल्मोड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुणे रेलवे स्टेशन पर चेन्नई एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ के सोने के जेवरात जब्त, हिरासत में 3 युवक। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में मरने वालों का आंकड़ा 20 तक पहुंचा, गोरेज में 4 जवानों के शव बरामद, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने मांगी रिपोर्ट। बर्फीले तूफान से 1 मेजर समेत 15 जवानों की मौत, 14 जवानों का पार्थिव शरीर बरामद। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अब भी बर्फीले तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने शनिवार तक के लिए जारी किया है अलर्ट। 4 दिन की बर्फबारी के बाद घाटी के मौसम में सुधार, लेकिन बरकरार है लोगों की मुसीबत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, लोगों के पास जरूरी सुविधाओं का हुआ अभाव। बैतूल में संघ के हिंदू सम्मेलन का आदिवासियों ने बहिष्कार का लिया फैसला, बांटे पर्चे, खुद को हिंदू मानने से कर रहे हैं इनकार। छत्तीसगढ़ बैराडीला में नागवंश के दौरान निर्मित गणेश प्रतिमा को किया गया खंडित, जवानों की 2 टुकड़ियां, 15 मीटर गहरी खाई से बरामद कर पाई कुछ अवशेष। बेंगलुरु में आज कामला रेस के लिए अपने अपने भैंसे के साथ जुटे लोग, 2 महीने तक चलने वाले समारोह में हर शनिवार और रविवार को होती है भैंसों की रेस। कामला के समर्थक ने किया प्रदर्शन, कहा घर आकर देखें कैसे बच्चे की तरह किया जाता है भैंसे का पोषण, साल भर भैंसे को राजा की तरह रखते हैं।
आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक पायदान फिसल कर नंबर 3 पर पहुंचे कोहली, धोनी के रैंकिंग में एक पायदान का सुधार। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर रैंकिंग में नंबर 1 पर, डिविलियर्स कोहली को पीछे छोड़ा। दूसरे टी20 के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया, रविवार को है मैच। ऑस्ट्रेलिया ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे नडाल, रविवार को फेडरर के साथ खिताबी मुकाबला।